तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा लैपटॉप बोर्ड होता है, लैपटॉप बोर्ड में जो आपको क्रिस्टल, आपने सुना होगा कि क्रिस्टल लगे होते हैं, तो क्रिस्टल मिनिमम जो होता है आपका, मिनिमम जो क्रिस्टल आपके बोर्ड में मिलेंगे वो दो क्रिस्टल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दो क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं? एक क्रिस्टल आपको मिलेगा आरटीसी का क्रिस्टल, जिसे आरटीसी क्रिस्टल कहते हैं, और एक मिलेगा आपको पीसीएच क्रिस्टल, ठीक है, पीसीएच का क्रिस्टल। तो आरटीसी का क्रिस्टल जो होता है 32.768 का होता है, और जो पीसीएच का क्रिस्टल होता है, तो अगर पुराने वाले बोर्ड में देखोगे तो आप 25 मेगाहर्ट्ज़ था, और जो लेटेस्ट बोर्ड में है वो है 24 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये क्रिस्टल होते हैं आपके बोर्ड में, मिनिमम दो होते हैं, मैक्सिमम आपके तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका ग्राफिक बोर्ड होता है, ग्राफिक का लैपटॉप, तो उसमें भी होता है क्रिस्टल, और आपके लैन क्रिस्टल में भी आपको साउंड आईसी के पास, नहीं, लैन आईसी के पास एक क्रिस्टल मिलता है जो 25 का ही होता है। तो वो बोर्ड में कहाँ पे लगे होते हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास बोर्ड है कुछ, जैसे कि ये बोर्ड है मेरे पास एक, तो ये देख सकते हैं, एक दोनों क्रिस्टल जो है ना आपको आरटीसी का और पीसीएच का, पीसीएच के पास ही मिलेगा। तो ये मेरा पीसीएच है, पीसीएच के बाद जो क्रिस्टल है वो एक क्रिस्टल ये है, और जो दूसरा क्रिस्टल है मेरे पास वो ये है। तो कौन सा 32 का है और कौन सा 25 का है, इसको समझने के लिए आपको बस कुछ नहीं, आप देख सकते हैं जो ये रेक्टेंगल है ना, जो रेक्टेंगल का दिखेगा आपको रेक्टेंगल साइज में, वो आपका 32.768 का होता है, और जो ये स्क्वायर में देख रहे हो ये 25 का होता है, 32 किलो हर्ज होता है ये, और ये मेगा हर्ज होता है, ठीक है। बस यही दो क्रिस्टल होते हैं आपके पीसीएच के पास, लैन आईसी के पास का मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये मेरे लिए मेन है। अगर ये क्रिस्टल खराब होगा तो आपके बोर्ड में नो पावर एंड नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है क्रिस्टल की, 32 का कौन सा है और 25 का कौन सा है, तो मैंने अभी आपको ये बता दिया है, आपको इसी को देखना है। चलो कोई नहीं, दूसरे बोर्ड में भी आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, जैसे कि ये बोर्ड है मेरे पास एक, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का ऑन बोर्ड सीपीयू है। तो जैसे ये पीसीएच है, मैंने अभी बोला पीसीएच के पास मिलता है, तो पीसीएच के पास एक क्रिस्टल ये देख सकते हैं और दूसरा क्रिस्टल ये देख सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टल का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो वाई से स्टार्ट होता है, Y1, Y2, Y3 कुछ भी हो सकता है, तो वाई से स्टार्ट है, और यहाँ भी देख सकते हैं वाई हल्का सा छिप गया है, लेकिन जो 32 वाला है मेरा, ये 32 का है, 32 ये आपको याद रखना है, 32.768 का किलो हर्ज होता है ये, मतलब फ्रिक्वेंसी जो बनती है वो यही बनती है, और यहाँ पे मेरा 25 मेगा हर्ज बनेगा, ठीक है, 25 मेगा हर्ज। तो ये DSO से बेसिकली चेक होता है, जो आपको साइन वेव इस तरह का मिलता है, ये साइन वेव DSO में मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक देखता हूँ, तो DSO अगर आपके पास होना चाहिए, जैसे ये PCH है मेरे पास, इस PCH में अगर देखूं मैं क्रिस्टल कहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें क्रिस्टल नहीं है, इसमें ना ग्रीन क्लॉक है। ग्रीन क्लॉक क्या काम करता है, तो ग्रीन क्लॉक उसी क्रिस्टल का ही काम करता है। तो जैसे कि ये ग्रीन क्लॉक, यहाँ पे ये ग्रीन क्लॉक है, इसको ग्रीन क्लॉक कहते हैं। ग्रीन क्लॉक मैंने इसलिए कहा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन क्लॉक की IC होती है, टोटल इसमें इतने ही पिन होते हैं, 16 पिन की ये ग्रीन क्लॉक होती है, जो आपको 7 पिन इधर मिलेंगे और 7 इधर, और सिंगल सिंगल पिन ऐसे होते हैं, और इसके साथ एक लगा होता है क्रिस्टल जो कि शायद 25 मेगाहर्ट्ज़ ही होता है, मे भी मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये क्रिस्टल स्क्वायर में है ना, तो जो आपके पास ग्रीन क्लॉक होगा, ग्रीन क्लॉक में 16 पिन की एक IC होगी, और 16 पिन की IC के पास ही एक क्रिस्टल होगा जो स्क्वायर में होगा। तो ये मेरा हो गया ग्रीन क्लॉक, जो काम करता है RTC, जैसे RTC में आपने देखा कि RTC का एक क्रिस्टल था, तो जिस बोर्ड में RTC सेक्शन के लिए क्रिस्टल नहीं होता है वहां पे ग्रीन क्लॉक होता है, और ग्रीन क्लॉक का बोर्ड में बहुत कम यूज किया गया है, ठीक है। तो ये तो एक क्रिस्टल हो गया, दूसरा क्रिस्टल जो है PCH के लिए होता है, तो दूसरा क्रिस्टल यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, दूसरा क्रिस्टल मेरा ये वाला है। क्रिस्टल ये क्यों है, तो आप देख सकते हैं वाई से डिनोटिंग लेटर है, और ये स्क्वायर में ही है, ज्यादा कोई खास नहीं। तो ये आपका 25 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो इसी तरह मैं किसी और बोर्ड में लास्ट दिखलाता हूँ आपको, एक बोर्ड और है मेरे पास, तो जैसे ये देख सकते हैं, ये लेटेस्ट क्रिस्टल है जो आपको समझने में आसानी होगी। ये मेरा PCH है, PCH के पास दो क्रिस्टल है, देख सकते हैं Y3 और Y2। तो इन दोनों में से कौन सा क्रिस्टल RTC का है, कौन सा
पीसीएच के, तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला जो होता है वो पीसीएच के लिए होता है, ठीक है। और जो ये रेक्टेंगल वाला होता है वो हमारा आरटीसी का होता है, ठीक है। तो आप इसी तरह किसी भी बोर्ड में, कोई सा भी बोर्ड हो आपके पास, तो बहुत आसानी से ये आप पता कर सकते हैं। अगर मेरे पास किसी बोर्ड में अगर दिखला देता हूँ, एक और दिखला देता हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टल है कहाँ पे। एसओसी में दिखला देता हूँ मैं, सेवन जनरेशन, अगर मेरे पास बोर्ड तो नहीं है इसका एक्स्ट्रे में, ये सिक्स जनरेशन में दिखाता हूँ अगर, हाँ सिक्स जनरेशन का है मेरे पास। जैसे मैं इसमें आपको लेटेस्ट बोर्ड में आपको क्रिस्टल दिखाता हूँ कैसा है क्रिस्टल। तो पीसीएच इसमें तो एसओसी हो जाता है, एक ही चिप होती है इसमें, एसओसी सीपीयू और पीसीएच दोनों एक साथ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक मेरा YC2 ये वाला क्रिस्टल है और एक YC1 ये वाला क्रिस्टल है। तो आपको वही याद रखना है जो मैंने आपको बताया कि जो रेक्टेंगल होगा वो आरटीसी का क्रिस्टल होगा, और जो स्क्वायर में होगा वो आपका पीसीएच का क्रिस्टल होगा, ठीक है। तो सेम इसमें वही चीज़ है, ये मेरा आरटीसी का क्रिस्टल है और ये मेरा पीसीएच का क्रिस्टल है, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी भी बोर्ड में आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह आपको अपडेट करता रहूँगा रिपेयरिंग से, ठीक है, जिससे आपको रिपेयरिंग में आसानी हो, ठीक है। तो जब तक के लिए फिर मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।